एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा प्रस्तुत है सामवेद चतुर्थी दशती मंत्र संख्या 35 ऋषि संयुह छंद बृहति देवता अग्नि स्वर मध्यम। देवता से अर्थ है कि इन मंत्रों में परमेश्वर के तेजोमय स्वरूप का वर्णन किया गया है। यज्ञ यज्ञ वो अग्नये यज्ञ यज्ञ वो अग्नये गिरा गिरा च दक्ष से प्रवयम्रतम जात वेदसं प्रियं मित्रं शंसीशम। जीवन रूपी यज्ञ में उच्चता को पाने के लिए देव आत्मा बनने के लिए हे परम ब्रह्म हम बार बार कोशिश करते हैं। अजर अमर हमारे युवा सखा शाश्वत परमेश्वर बार बार हम तेरी स्तुति करते हैं। जीवन यज्ञ में उच्चता पाने को बार बार हम कोशिश करते हैं। अजर अमर युवा सखा परमेश्वर बार बार तेरी स्तुति करते हैं। हो मंत्र संख्या 36 ऋषि भर्ग प्रागाथ देवता अग्नि छंद बृहति स्वर मध्यम। पाहि नो अग्न एकया पाहयूत द्वितीयया पाहि गिर भीर इस्तु स्र भीर ऊर्जा पते पाहि चत स्र भीर वसो। चारों वेदों की वाणी को ज्योति की तरह अपनी आत्मा में धारण कर लो जिससे तुम्हारी अंतर्दृष्टि विकसित हो जावे। इसलिए स्वम को ही निर्मल कर लो। चारों वेदों की वाणी को ज्योति की तरह धारण कर लो। अंतर्दृष्टि होवे विकसित स्वम को ही अगर निर्मल कर लो। हो मंत्र संख्या 37 ऋषि संयुह देवताग्नि
छंद ब्रहते स्वर मध्यम बृहदभिराग्ने अर्चिर भी शुक्रेण देव शोचिषा भरद्वाज समीधानो यविष्ठय रेवत पावक दीदी। मन को पवित्र बना लेने से मस्तक में ब्रह्म प्रकाश की प्राप्ति होती है। शम दम दान दया आदि से जीवन में उच्चता की प्राप्ति होती है। पवित्र मन से दीप्त मस्तक में ब्रह्म प्रकाश की प्राप्ति होती। शम दम दान दया आदि से जीवन में उच्चता की प्राप्ति होती। जीवन में उच्चता की प्राप्ति होती। हो मंत्र संख्या 38 ऋषि वशिष्ठ देवताग्नि छंद ब्रहते स्वर मध्यम त्वे अग्ने स्वाहुता प्रिया सह संतु सूरय यंतारो ये मधुवानो जना नामुरवं दयंत गोनाम। ज्ञानी मनस्वी पुरुष संसार में परमेश्वर के मित्र बनते हैं। जिनका मन उनके वश में नहीं है वे ही अशांत असुर बनते हैं। एक व्यक्ति बचपन से वेद मंत्रों से परमेश्वर की आराधना करता था। एक बार उसे एक तांत्रिक मिला, कहने लगा 100 जन्मों तक तुम वेद मंत्र गाते रहो, तुमको कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं। कच्ची बुद्धि वाले लोग किसी की भी बातों में आ जाते हैं। उस तांत्रिक ने कहा, तुम मुझे अपना गुरु बना लो, मैं तुमको कर्ण पिशाचनी का मंत्र देता हूँ, 40 दिन में ही वो सिद्ध हो जाएगी और जो आज्ञा तुम उसे दोगे वही कार्य वो करेगी। उस कच्ची बुद्धि के आदमी ने उसकी बात मान ली, उसे अपना गुरु बना लिया। रोज आधी रात में शमशान में जाता, शराब मांस अगरबत्ती ले जाता, तमोगुणी पूजा करने लगा। 40वें दिन तेज तेज हवा चलने लगी, अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी। वहां कर्ण पिशाचनी शक्ति प्रकट हुई। उसकी आवाज वो साधक सुनता था। उस शक्ति ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उस व्यक्ति ने कहा, पहले मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं कि तुम कौन हो, कैसी हो। उसने कहा, तुम्हारे चारों तरफ वेद मंत्रों से प्रज्वलित ब्रह्म अग्नि का इतना तेज फैला है कि मैं तुम्हारे निकट नहीं आ सकती, प्रकट नहीं हो सकती।
उस अग्नि मंडल को मैं पार नहीं कर सकती, उसमें पैर रखते ही मैं भस्म हो जाऊंगी। उस साधक ने कहा, फिर तुम मेरी कौन सी मनोकामना पूरी करोगे? बोले, किसी को दुख देना हो, दुश्मन को मारना हो, गड़ा धन प्राप्त करना हो, किसी स्त्री को वश में करना हो, ये सारे काम मैं कर सकती हूँ। उस साधक ने कहा, ये बातें तो सब मनुष्य को नरक में ले जाती हैं। हे देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। मैं भटक गया था, मैं पुनः उसी आदि ब्रह्म सनातन परमेश्वर की आराधना करूंगा, तुम मुझे क्षमा करो। ज्ञानी मनस्वी पुरुष संसार में परमेश्वर के मित्र बनते हैं, जिनका मन उनके वश में नहीं है, वे ही अशांत असुर बनते हैं। हो मंत्र संख्या 39, ऋषि भारद्वाज, देवताग्नि, छंद बृहते, स्वर मध्यम। अग्नि जरित वीर शपति इस्तपानो देव रक्षस अप्रोशिवान ग्रहपति महां असि देवस पायुर दुरोणयो। जो परमेश्वर की आराधना करता है वो अपना देवत्व बनाए रखता है, आत्मा का रक्षक निर्मल साधक परम ब्रह्म में खुद को बनाए रखता है। एक और दृष्टांत सुने। वाराणसी के एक प्रोफेसर प्रेत विज्ञान पर रिसर्च कर रहे थे। अमावस्या की अर्धरात्रि में शराब मांस अगरबत्ती लेकर वो शमशान में पहुंचे। तरह तरह की तांत्रिक साधनाएं और मंत्रों का उच्चारण उन्होंने किया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा एक स्वर्ग की अप्सरा हाथ में सोने के थाल में स्वर्ग के फल मिष्ठान भोग लेकर वहां उपस्थित हुई। वो अप्सरा बिल्कुल उनसे सट के बैठ गई। एक हाथ उस साधक के गले में उसने डाला और बड़े प्रेम से उनको मिष्ठान खिलाने लगे और वो खाने लगे। यही तो उनकी बहुत दिनों से कामना थी कि मुझे अप्सरा की प्राप्ति हो, उसके रूप लावण्य को मैं देखूं, स्वर्ग के भोग मुझे प्राप्त हों, और इसमें वो निमग्न हो गए। रात्रि कब व्यतीत हुई पता नहीं चला। सूर्य उदय होने को हुआ तो क्या देखते हैं, एक नर कंकाल को उन्होंने आलिंगन किया हुआ है और दूसरे हाथ से मरी हुई सड़ी हुई बिल्ली के मांस को वो चूस रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसी मनुष्य की कामनाएं हैं जगत में। जो भोग हमें अपनी तरफ ललचाते हैं उनकी वास्तविक वस्तुतः
ऐसी ही है। जो परम ब्रह्म की आराधना करता है, मन इंद्रियों को बस में रखता है, वह अपने देवत्व को बनाए रखता है। करे जो आराधना परमेश्वर की, देवत्व अपना वो बनाए रखता। आत्मा का रक्षक निर्मल साधक, परम ब्रह्म में खुद को बनाए रखता। हो मंत्र संख्या 40। ऋषि प्रस कणवः देवताग्निः, छंद ब्रहते स्वर मध्यमः। अग्ने विवास वदुष सश्चित्रम्, राधो अमर्तय। आदाशुषे जात वेदो वः, त्वं माध्या देवान् उषबुध। तृष्णा की नींद से जो जाग गए हैं, परमेश्वर ने उनको अपने मित्रों में मिला लिया है। निम्न कर्मों में कहीं ये आत्मा मट्टी ना हो जावे, उस परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो अजर अमर परमेश्वर हमको जन्म जन्म में भटकने ना दे, अपने अनंत ज्योतिर्मय अपनी मैत्री में हमें विश्राम देवे। तृष्णा की नींद से जाग गए जो, प्रभु अपने उन मित्रों से मिला दे। संसार में तीन तरह के प्राणी होते हैं, कामनाओं में आसक्त कामी, जो कि सारा संसार ही ऐसा है, साधक, जिनके मन में ये विचार आया कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, वे उस परमेश्वर की साधना में लग जाते हैं। किंतु उनमें भी पितर देवता भूत चुड़ैल की पूजा करने वाले नरक में गिर जाते हैं, किंतु ब्रह्म उपासना करके जो अभिमान करते हैं, अपने को सिद्ध और ज्ञानी समझते हैं, वे उनसे भी ज्यादा गहरे अंधकार में गिर जाते हैं। साधना करें, विनम्रता को अपने हृदय में रखें और सतोगुणी साधना करें, वे लोग साधक कहे जाते हैं। तीसरी तरह के व्यक्ति होते हैं सिद्ध, जो सृष्टि के आदिकाल से ही ईश्वर ने जिनके भीतर अपना तेज रखा है, प्रकाश रखा है, वे जहां जहां पैर रखते हैं वहां वहां फूल खिलते चले जाते हैं, वहां वहां कल्याण ही कल्याण होता चला जाता है। ऐसे सिद्ध पुरुष इस जगत में दुर्लभ हैं, ऐसों का सत्संग और दर्शन मिलना भाग्य की बात है। तृष्णा की नींद से जाग गए जो, प्रभु अपने उन मित्रों से मिला दे। तृष्णा की नींद से जाग गए जो,
प्रभु अपने उन मित्रों से मिला दे। निम्न कर्म में ना मट्टी हो जावे, अजर अमर तू हमको बना दे। हो मंत्र संख्या 41, ऋषि त्रित देवताग्नि छंद ब्रहते स्वर मध्यम। त्वम नश्चित्र ऊतया वसुराधांसी चो दया। अस्य रायस्त त्वम गने रथिरसि विदा गाधम तु चेतुनः। ज्ञान रूपी धन हे परमेश्वर तू हमें दे, हमारे नवयुवक उनको तू गूढ़ ज्ञान दे। सोना चांदी हीरे जवाहरात संसार के इस माया को बटोरते बटोरते हमारे हाथों में कहीं बस तिनके ही ना रह जावे, और हम लोग ज्ञान पाणी हाथ में ज्ञान रखे हुए कहीं तरण पाणी हाथों में तिनके लिए हुए शेष ना रह जावे। हमें जगत की तुच्छता से निकाल। यह जीवात्मा जब कामनाओं की अग्नि को वश में कर लेता है, काम अग्नि को वश में कर लेता है, तो ये पृथ्वी पर गणपति सबका पूज्य बन जाता है। जब पेट की अग्नि भूख प्यास को संयम कर लेता है, शिश नोदरी वासनाओं से निकला हुआ पेट की आग से निकला हुआ प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है, और तीसरी अग्नि क्रोध की, इस क्रोध की अग्नि को जो संयम कर लेता है वश में कर लेता है, वह सारे जगत का कल्याण करने वाला शिव बन जाता है। ज्ञान रूप धन दे हे परमेश्वर, नव युवक हमारे गूढ़ ज्ञान पावे। सोना चांदी बटोरते हाथों में कहीं तिनके ही बस न रह जामे। सोना चांदी बटोरते हुए कहीं हम ईश्वर के प्रेम से वंचित न रह जामे, हमारी गिनती घास और तिन के चुगने वालों में ना होवे। हो मंत्र संख्या 42, ऋषि भर्गः देवताग्निः छंद ब्रहते स्वर मध्यमः।
मित सप्रथा अस्य अग्ने त्रातरितः कवि त्वां विप्रास समिधान दिविव आविवासन्ति वेदसः। ज्ञान से युक्त होकर उस परम ब्रह्म की आराधना करो, अपनी आत्मा को प्रकाशित करो। मनवाणी पे असुर अज्ञान पशु तत्व हावी ना हो जावे। उस आदि पुरुष सनातन ब्रह्म परमेश्वर की मित्रता, उसका निर्मल प्रेम हमें प्राप्त होवे। ज्ञानी बनकर करो उपासना, आत्मा को प्रकाशित करो। ज्ञानी बनकर करो उपासना, आत्मा को प्रकाशित करो। मनवाणी पे असुर हावी न होवे, प्रभ की मित्रता प्राप्त करो। हो ऋचा संख्या 43। ऋषि भर्ग देवताग्नि छंद ब्रहते स्वर मध्यम। आनो अग्ने वयोवृद्धं रयिं पावकशं स्ययम् रास्वाचन उपमाते पुरु इस प्रहम सुनीति सुयश इस्तरम। जीवन को उन्नत करने वाला बुद्धि धन, ज्ञान धन, धर्म आचरण रूपी धन, हे परमेश्वर हम तुझसे मांगते हैं। देवताओं और ऋषियों के प्रकाशित पथ पर चलने की शक्ति, हे आदि पुरुष, हे परम ब्रह्म, हम तुझसे मांगते हैं। जीवन को उन्नत करने वाला बुद्धि धन प्रभ हम तुझसे मांगते। जीवन को उन्नत करने वाला बुद्धि धन प्रभ हम तुझसे मांगते। ऋषि देवों के पथ पर चलने की शक्ति, हे पर ब्रह्म तुझसे मांगते। हो मंत्र संख्या 44। ऋषि सोभरी देवताग्नि हैं छंद ब्रहते स्वर मध्यमः। यो विश्वदयते
वसु होता मंद्रो जनानाम मरोर्न पात्रा प्रथमान्याय समय प्रस्तोमा यंत्वाग्नये। वह परमात्मा जगत को सब कुछ देता है, हम उसको भला क्या दे सकते हैं। केवल स्तुति के मधुपात्रों को उस आदि देव आदि पुरुष अति प्रीतम परमात्मा को हम अर्पित करते हैं। जो जगत को सब कुछ देता हम उसको भला क्या दे सकते हैं। जो प्रभु जगत को सब कुछ देता हम उसको भला क्या दे सकते हैं। केवल स्तुति के मधुपात्रों को आदि देव को अर्पित करते हैं। हो मंत्र संख्या 45। ऋषि वशिष्ठ देवताग्नि छंद ब्रहते स्वर मध्यम एनावग्नि नम सोरजो न पातमाहुवे प्रियं चेतिष्ठं रतिं स्वद्वरं विश्वस्य दूतं रतं। ये हमारा शरीर सप्त ऋषियों का घर है, मगर काम क्रोध अशांति रूपी असुर इसमें बलात् ही जबरदस्ती घुस आए हैं। हमारे भीतर तमस ना रहे, विकार ना रहे, सप्त ऋषियों के इस आश्रम में सत्य के चिराग हमने अपने अंतःकरण में जलाए हैं। विनय पूर्वक ईश्वर आराधना करने से 7 लाभ होते हैं। प्रथम, तेजस्विता हमें प्राप्त होती है। दूसरे, प्रसन्नता हमें आत्मा में प्राप्त होती है। तीसरे, पुण्य कर्म करने के लिए साहस की हमें प्राप्ति होती है। विकारों से हमें अरुचि हो जाती है, हमें प्रतिभा की प्राप्ति होती है। काम क्रोध और दुष्प्रवृत्तियों के संघार की शक्ति हमें प्राप्त होती है। और अंत में परमेश्वर के हाथों से अमृत की प्राप्ति हमें होती है। सप्त ऋषियों का घर है ये शरीर, मगर असुर इसमें घुस आए हैं। तमस विकार ना रहे आश्रम में, सत के चिराग अंतरम में जलाए हैं। हो
मंत्र संख्या 46 ऋषि भर्ग प्रगाथः देवताग्निः छंद ब्रहते स्वर मध्यमः शेषे वनेषु मात्रषु सं त्वामरतास इन्धते अतन्द्रहव्यं वहसि हविस्कृत आदिदेवेषु राजसि। वह आदिदेव परमात्मा इस शरीर में सोता है, वह सत्पुरुषों में चरित्रवानों में जागता रहता है, वह पाप करने वालों से घृणा करता है, सब जग पुण्यवान देवों में शोभा पाता रहता है। वो आदिदेव इस देह में सोता, वो चरित्रवानों में जागत रहता, पाप करने वालों से घृणा कर सब जग पुण्यवान देवों में शोभा पाता रहता। पाप करने वालों से सारा संसार घृणा करता है और पुण्यवान देवताओं में उस परमेश्वर की शोभा उसका प्रकाश चमकता रहता है। हो मंत्र संख्या 47 ऋषि सोभरे हे देवताग्नि छंद ब्रहते स्वर मध्यमः अदर्शि गातु वित्तमो यस्मिन् व्रतान्यादधु उपोषु जात्मा अर्यस्य वर्धनम् अग्निम् नक्षन्तु नो गिरः। उस परम ब्रह्म को कौन देखता है जो ऋषियों और देवताओं के प्रकाशित धर्म मार्ग में चलता है, व्रतशील साधक देव मार्ग में बिना थके बिना रुके चलता रहता है, वो ही जगत में धन्य है। कौन देखता है पार ब्रह्म को जो देव मार्ग में चलता रहता, व्रतशील साधक देव मार्ग में बिना थके रुके बस चलता रहता। हो मंत्र संख्या 48 ऋषि मनु देवताग्नि छंद ब्रहते स्वर मध्यमः अग्नि रुख थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिर रध्वरे ऋचयामी
मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्। पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरी कृपा से दोष दुख दुर्गते क्लेश आदि नष्ट हो जाते हैं। देवात्माओं से जब ज्ञान मिलता है, हम स्वयं ही उन्नत हो जाते हैं। उनका संग हमें देवात्मा बनाता है। हे प्रभु, हमें सत्पुरुषों का संग प्रदान कर, हमें ऋषियों का सानिध्य प्राप्त हो, पवित्र आत्मा वालों को हमारे निकट भेज। पर ब्रह्म स्वामी तेरी कृपा से दोष कलेश शांत हो जाते। देव आत्माओं से जब ज्ञान मिलता, स्वयं ही हम उन्नत हो जाते। हो मंत्र संख्या 49, ऋषि सुदीति पुरुमेड़ो देवताग्नि छंद ब्रहते स्वर मध्यम। अग्नि मीड स्वाव से गाथा भी शीर शोचिशम। अग्निं राये पुरुमीड श्रुतं नरो अग्नि सुदीतये छरदि। काम क्रोध रूपी भेड़ियों से बचने के वास्ते जगत के जंगल में आग सुलगा के रखो, बांट कर खाओ, दान देते रहो, ईश्वर ज्योति में खुद को बनाए रखो। गडरिये भेड़ चुगाने वाले कई कई सौ भेड़ पर्वत पर ले जाते हैं, महीनों महीनों जंगल में पड़े रहते हैं। रात्रि में जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने के लिए वे आग जला के रखते हैं। इसी प्रकार जब हमारे भीतर ब्रह्म अग्नि जलती रहती है, उस परमेश्वर का सिमरन हमारे अंतःकरण में होता रहता है, उस परमेश्वर की स्तुति लगातार हम गाते या सुनते रहते हैं, तो उस ब्रह्म तेज के सामने काम क्रोध रूपी सर्प और भयंकर जंगली जानवर हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करते और हमारी आत्मा उस परम ब्रह्म के प्रकाश में सुरक्षित बनी रहती है। काम क्रोध भेड़ियों से बचने के वास्ते जग जंगल में आग सुलगा के रखो, बांट के खाओ, दान देते रहो, ईश्वर ज्योति में खुद को रखो। हो
मंत्र संख्या 50 ऋषि प्रस्कण वह देवताग्नि छंद ब्रहते स्वर मध्यम श्रुधि श्रोत कर्ण वहिं भेर्दे वैरगने सयाव भीह आसीत तु बहर्षि मित्रो अर्यमा प्रातर्याव बीरध्वरी प्रातः होते ही दिव्य गुणों को हृदय की स्थली में बिठाओ। उस परम ब्रह्म की आभा से अपने हृदय के आंगन को सुनहरा कर लो। असुर भावनाएं इस आंगन में आके ना बैठे। शुभ वृत्तियों को मन में टिकाओ और अशुभ को कूड़े की तरह झाड़ू मार के अपने हृदय के आंगन से बाहर कर दो। प्रातः होते ही दिव्य गुणों को हृदय के स्थली में बिठाओ। असुर भावनाएं आके बैठ न जामे। शुभ व्रतियों को मन में टिकाओ। जीवन यज्ञ में उच्च तापाने को बार बार हम कोशिश करते हैं। जीवन यज्ञ में उच्च तापाने को बार बार हम कोशिश करते हैं। अजर अमर युवा सखा परमेश्वर बार बार तेरी स्तुति करते हैं। अजर अमर युवा सखा परमेश्वर बार बार तेरी स्तुति करते हैं। हो सच्चा तेरा नाम सच्चा।